हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भर्ती होने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, तो मैं उनको इस बात के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आपकी एज है ना, वो आपकी 18 से 22 तक होती है एज जो पुलिस में भर्ती होने के लिए लगती है, ठीक है। उसके बाद अब स्टडी पे आ जाए तो मैट्रिक बेस पे बंदा भर्ती होता है, ठीक है। तो मैट्रिक में आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसके अलावा आपके मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट का है वो डोमिसाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों में मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको कोई बंदा, कोई भी आदमी आपको बोलता हो कि पैसे दे के हम भर्ती करवा देंगे, ऐसे कर देंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जो भी भर्ती हो रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो पैसे वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो गया है। मेरिट पे भर्ती होना पड़ता है और मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूँ कि मेरिट पे भर्ती होता है। अगर आपसे कोई पैसे लेता है तो वो बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपको गुमराह कर रहा है सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए। और इसके अलावा जो बातें हैं वो आपको सारा बता दिया जाता है, फार्म कहाँ से मिलते हैं, कहाँ जमा करवाते हैं, वो आपको बताया जाता है। तो लिहाजा मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, किसी बंदे को पैसे ना दें, ना ही इस बात के मतलब उनको हामी भरे कि हम आपको पैसे देते हैं, आप हमें भर्ती करवा दें। मेरिट पर हर काम होता है, रिटर्न टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और आपको पता भी नहीं होता कि वहाँ पर कौन कौन से अफसर आके आपसे इंटरव्यू लेते हैं, उनको आप नहीं जानते होते, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अगर आप बोलने के सिफारिश में भर्ती होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम भर्ती हुए हैं तो बहुत मुश्किल से अल्लाह पाक ने हमारी सुनी है, ठीक है। मेरिट में हम हुए हैं, हमारे नंबर भी बिल्कुल ठीक थे मैट्रिक में, उसके बाद हमने रनिंग की दौड़ लगाई जी, ठीक है, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, कैसे हैं सब भाई, ठीक ठाक हैं? तो ये भाई जो मतलब इंफॉर्मेशन दी है बहुत अच्छी है, तो मैं आप सब से यही गुजारिश करता हूँ, जो मेरे फॉलोअर भी हैं वो भी इन भाई के जो मतलब चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कर दें, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएंगी तो आपको मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इससे। तो ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।